दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम स्पोर्ट जीके के 25 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। स्पोर्ट जीके के क्वेश्चंस पर मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, आगे भी इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं दोस्तों आता रहूँगा। इस वीडियो में मैं पहले क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद चारों ऑप्शन बताऊँगा आपको और उसके बाद मैं बताऊँगा राइट आंसर क्या है इन ऑप्शंस में से। जिस बीच में चारों ऑप्शन बोलूँगा उस बीच आपको गेस कर लेना है मन में ही कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है इससे पहले कि मैं आंसर बोलूँ। तो इस तरह से आपके लिए भी वीडियोस इंटरेस्टिंग होगी और एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी भी, जब आप खुद ही मन में गेस करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे बताने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, हु गॉट फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 अवार्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं नेमार, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या ल्यूका मॉडिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को 2019 फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। क्वेश्चन में पूछा गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किसने जीता। ऑप्शंस दिए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, बेन स्टोक्स या कोड ब्रायंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2019। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से वो कौन से पहले इंडियन प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड जीते। ऑप्शंस दिए गए हैं गगनप्रीत सिंह, धनराज पिल्ले, रानी रामपाल या मनप्रीत सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक क्रिकेट माय स्टाइल। क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिकेट माय स्टाइल बुक नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से किसने लिखी। ऑप्शंस हैं सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, कपिल देव या नन ऑफ देम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपिल देव। कपिल देव ने क्रिकेट माई स्टाइल बुक लिखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। क्वेश्चन में पूछा गया है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का नया नाम क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं अरुण जेटली स्टेडियम, शीला दीक्षित स्टेडियम, गौतम गंभीर स्टेडियम या अजीत वाडेकर स्टेडियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण जेटली स्टेडियम। दोस्तों दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम अब चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ वन द रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2019। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार रीजन्स में से कौन से रीजन ने रणजी ट्रॉफी 2019 टूर्नामेंट जीता। ऑप्शंस हैं सौराष्ट्र, मुंबई, विदर्भा या राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदर्भा। विदर्भा रीजन ने रणजी ट्रॉफी 2019 जीती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ब्राइटन कप इज़ द प्रेस्टीजियस चैम्पियनशिप ऑफ द गेम ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है ब्राइटन कप कौन से गेम की प्रेस्टीजियस ट्रॉफी है। ऑप्शंस दिए गए हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी या फुटबॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी। ब्राइटन कप हॉकी गेम की प्रेस्टीजियस चैम्पियनशिप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री होस्टेड द 13th साउथ एशियन गेम्स 2019। क्वेश्चन में पूछा गया है 2019 में जो 13th साउथ एशियन गेम्स हुए थे वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किए थे। ऑप्शंस दिए गए हैं बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया या भूटान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल ने 2019 में
13th साउथ एशियन गेम्स को होस्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द ग्रीन पार्क स्टेडियम विच होस्टेड द 500th इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच प्लेड बाय इंडिया इन 2016 इज सिचुएटेड इन द इंडियन सिटी ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रीन पार्क स्टेडियम जिसमें 500वां इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था 2016 में वो किस सिटी में लोकेटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं कानपुर, इंदौर, ग्वालियर या राजकोट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कानपुर। दोस्तों कानपुर में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 500वां इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था सन 2016 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं वियना, लॉजेन स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड या मैड्रिड स्पेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉजेन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लॉजेन में IOC का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज होस्टेड द ICC वर्ल्ड कप मोस्ट टाइम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी कंट्री ने ICC वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। इंग्लैंड ने ICC वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स 2019 वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। क्वेश्चन में पूछा गया है IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 कौन सी जगह पर कंडक्ट की गई। ऑप्शंस दिए गए हैं उलान उडे रशिया, डोहा कतर, रियाद UAE या सियोल साउथ कोरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डोहा कतर। दोस्तों IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 कतर के दोहा में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। डैश टू होस्ट 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021। क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सी कंट्री है जो सन 2021 में 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स को होस्ट करेगी। ऑप्शंस दिए गए हैं इंडोनेशिया, म्यांमार, बहरीन या सिंगापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बहरीन। बहरीन 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में जो होंगे उन्हें होस्ट करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। डैश बिकम्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट टू रिज्यूम पोस्ट COVID-19 लॉकडाउन। क्वेश्चन में पूछा गया है COVID-19 की वजह से जो वर्ल्ड लेवल पर लॉकडाउन लग गया था उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो वो कौन सा मेजर स्पोर्टिंग इवेंट है जो सबसे पहले हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं UFC चैम्पियनशिप, विंबलडन, डायमंड लीग एथलेटिक्स या बुंडेसलीगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बुंडेसलीगा। दोस्तों COVID-19 की वजह से जो वर्ल्ड लेवल पर लॉकडाउन लग गया था अलग अलग कंट्रीज़ में वो लॉकडाउन खुलने के बाद जो सबसे बड़ा मेजर इवेंट हुआ सबसे पहली बार वो हुआ बुंडेसलीगा। बुंडेसलीगा एक फुटबॉल लीग है जर्मनी की, वो सबसे पहले कंडक्ट कराई गई अगर मेजर स्पोर्ट्स इवेंट की बात की जाए तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। डैश टू बी द मैस्कॉट फॉर हैंगझोउ 2022 एशियन पैरा गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स होंगे हैंगझोउ में उसका मैस्कॉट क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं फेफे, COVID-19 विन, सिंसन कोव या डॉक्टर्स मिलेनिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेफे। फेफे 2022 के जो एशियन पैरा गेम्स हैं जो कि हैंगझोउ में होंगे उनका मैस्कॉट है। दोस्तों मैस्कॉट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, अगर आपको नहीं पता तो। मैस्कॉट आपने देखा होगा किसी भी बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में, कुछ कार्टून्स देखे होंगे आपने, वो मूव करते हैं इधर से उधर, जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो उनके साथ भी वो चलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम मैस्कॉट। मैस्कॉट एक लक का सिंबल होता है। अब ये जितने भी बड़े स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ वगैरह, हर जगह आपने देखा होगा, इवन
खेलो इंडिया में भी आपने मैस्कॉट देखा होगा, अभी 2020-21 का हुआ था। मैस्कॉट कभी कभी एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, वो किसी एनिमल की फॉर्म में होते हैं, ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं वो, और किसी बर्ड वगैरह की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, उसका फेस चीयरफुल होता है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको फेफे मैस्कॉट दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखिए इसका फेस देख सकते हैं, बिल्कुल चीयरफुल फेस है इसका, तो उसे देख के ही मन में बिल्कुल मतलब पॉजिटिविटी आने लगती है, इसीलिए इसे लक का सिंबल भी बोला जाता है मैस्कॉट को, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से बहुत क्वेश्चन आएंगे अभी मैस्कॉट के आगे भी, तो मैस्कॉट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ मैस्कॉट के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डैश टू बी द मैस्कॉट 19th एशियन गेम्स। क्वेश्चन में पूछा गया है जो 19वें एशियन गेम्स होंगे उनका मैस्कॉट क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं द स्मार्ट ट्रिपलेट्स, नेचर लॉन्ग लिव, प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड या स्पोर्ट फॉर ऑल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। द स्मार्ट ट्रिपलेट्स 19वें एशियन गेम्स का मैस्कॉट होगा। इसकी भी पिक्चर दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह का दिखेगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डैश विल होस्ट कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप 2022। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी कंट्री है जो 2022 में होने वाले शूटिंग और आर्चरी चैंपियनशिप को होस्ट करेगी। ऑप्शंस दिए गए हैं चाइना, जापान, इंडिया या हांगकांग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। दोस्तों 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप को इंडिया होस्ट करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डैश बिकम्स फर्स्ट क्लब फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर AFC चैंपियंस लीग। क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया का वो पहला कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने AFC चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं मोहन बागान, केरला FC, FC गोवा या पंजाब पैंथर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, FC गोवा। FC गोवा इंडिया का वो पहला फुटबॉल क्लब है जिसने AFC चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया विल होस्ट जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन। क्वेश्चन में पूछा गया है जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जिसे इंडिया होस्ट करेगी वो कौन से ईयर में होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं 2022, 2021, 2023 या 2020। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2021, यानी नेक्स्ट ईयर। दोस्तों नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में इंडिया जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम इज इन। क्वेश्चन में पूछा गया है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, कानपुर, कोलकाता या इंग्लैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता में ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वेस्टचेस्टर कप बिलोंग्स टू। क्वेश्चन में पूछा गया है वेस्टचेस्टर कप कौन से गेम से बिलोंग करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं गोल्फ, क्रिकेट, आइस हॉकी या पोलो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोलो। पोलो गेम से वेस्टचेस्टर कप बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, डेविस कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए चार स्पोर्ट्स में से कौन से गेम से डेविस कप बिलोंग करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्क्वैश, बास्केटबॉल, टेनिस या साइकिलिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेनिस। डेविस कप टेनिस गेम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट कंडक्टेड कंट्रीज फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर वन डे एथलेटिक मीट। क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसने कंट्री का फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर वन डे एथलेटिक मीट कंडक्ट कराया। ऑप्शंस दिए गए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरला। केरला दोस्तों इंडिया का वो फर्स्ट स्टेट है जिसने ट्रांसजेंडर वन डे एथलेटिक मीट कंडक्ट कराया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कूच बिहार ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कूच बिहार ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट गेम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25,
और ये इस वीडियो का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट डे नाइट टेस्ट ऑर्गेनाइज। क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया का सबसे पहला डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं मुंबई, जयपुर, कोलकाता या गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। इंडिया का पहला डे नाइट टेस्ट मैच कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे भी स्पोर्ट्स जीके पर मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जो कि आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। कैसी लगी दोस्तों आपके वीडियो कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की किसी नई वीडियो में।